नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अब खबर सीहोर से, जहां जावर तहसील स्थित ग्राम ग्वाली में पाटीदार समाज धर्मशाला में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। कथा के छठे दिन कथावाचक नर्मदानंद अग्निहोत्री और जुगल किशोर अग्निहोत्री के मुखारविंद से उद्धव चरित्र, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक में कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपने सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रति रूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण जन बाबूलाल पाटीदार, दयाराम पाटीदार, मुकेश पाटीदार, विनोद पाटीदार, राजाराम पाटीदार, राम सिंह सिंहदेव, शांतिलाल पाटीदार, बजे सिंह पाटीदार सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। के गांव में जो भागवत जी चल रही है, कब से चल रही है और ये ग्राम ग्वाली में कब से परंपरा चल रही है भागवत जी की? ग्राम ग्वाली में लगभग 7 वर्ष हो गए, लगभग 7-8 दिन है। बहुत ही आनंद आया, दोनों गुरु जी से हमने मुखारविंद से भागवत जी सुनी, बहुत ही आनंद आया। आज भागवत जी का 6 दिन है, आज भागवत जी में घनश्याम जी की शादी की गया, विवाह की गया, क्या परंपरा रही है उसकी? राधा रुक्मणी जी का 6 दिन भागवत जी में शादी करते हैं, उसी हिसाब से आज शादी करी, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर अभी देखा जाए तो भक्तों का जो भक्तजन है उनका जनसैलाब उमड़ा हुआ है सुनने के लिए, क्या भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे आप? जनसैलाब तो अभी मतलब इनसे पहले तो देवनारायण कथा थी, उसके बाद में 7 दिन से भागवत कथा है। भक्तों का तो टाटा लगा ही रहता है, मतलब इतनी भीड़ अभी तक हमने देखी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ आ रही है। क्या यहाँ पर सुनने में आया कि 2 दिन पहले देवनारायण कथा भी हुई थी? हाँ, 3 दिन से देवनारायण कथा थी, उसमें भी बहुत मतलब दूर दूर से गाँव गाँव से बहुत से श्रद्धालु आए, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इस साल यात्रा में बहुत। काका, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव में भागवत जी महापुराण का आयोजन किया जा रहा है और आज 6 दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान भजन बहुत अनिवार्य है। जो ये आज 6 दिन की जो भागवत हुई और कल समापन इस भागवत का, मैं तो सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार निरंतर ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे और इसमें धार्मिक आयोजन में हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। हिंदू परंपरा है ये और हिंदू संस्कृति है ये, कि हमारी श्रद्धा है, ये श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे और हम एक अपने को हिंदू माने और अपने आप को सनातनियों को हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है। ये भागवत अभी देखा जाए तो 75% नवयुवक जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनना तो ये समय बताएगा, अभी तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि भारत तो सैकड़ों देश है, हिंदू राष्ट्र बनना तो अभी असंभव है। पर हिंदू राष्ट्र बने या ना बने ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कि हमारे प्रत्येक भारतवासियों के मन में प्रेम हो, सौहार्द हो, वो सब आपस में हिल मिल कर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से आप जनता तक क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह देश हमारा है, भारत देश सभी का है और इस भारत देश को अक्षुण बनाए रखने के लिए हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। आपका नाम? बाबूलाल पाटीदार, ग्राम ग्वाली। ग्राम ग्वाली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।